जवानी जो है अपनी मनमानी ढंग से हमें गुजारना चाहिए, उसके बाद बुढ़ापे में अल्लाह करना चाहिए। जबकि इस्लाम ये कह रहा है कि हमारी पैदाइश से मुस्लिम होते हैं, फितरत को पैदा होते हैं, हमारा लड़कपन भी दिन में गुजरता है, हमारी जवानी भी दिन के मुताबिक गुजरती है, हमारा बुढ़ापा भी दिन के मुताबिक गुजरता है, हमारी पैदाइश भी दिन के मुताबिक होती है, हमारी मौत भी दिन के मुताबिक होना चाहिए, है ना। तो ये बड़ी अहम बात है। तो मैं नौजवानों से जो मेरी बात सुनता है, अक्सर लोग ऐसे जिनकी दाढ़ियाँ मैं देख रहा हूँ 6 साल के बाद सब काले हैं, है ना, कुछ को तो एक सफ़ेद बाल भी नहीं आया, मतलब जवान है, अपनी जवानी के मरहले से गुजर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है, हम लोग उसके इम्पोर्टेंस, उसकी अहमियत को नहीं जानते हैं, बस ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ज़िंदगी चल रही है, गुजर रही है। अब यकीन जानिए ज़िंदगी इस रफ्तार से गुजरती है। जब मैंने इस इदारे की शुरुआत की थी, इस्लामिक इंस्टीट्यूट एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट की, जब मैं 20 साल का था, सन 2001 में, अगर मैं उन 21 सालों को पीछे जाता हूँ, अगर याद कर दूंगा, ऐसा लगता है ऐसा एक एक पेज ऐसा करे, तो बस उसने तो बड़े लगता है। और वो तो देख लिए नीम के नाम पे पता नहीं क्या क्या देख लिया, अब क्या होगा उसका असर होना, आपको रोज कुछ तो भी देख लिया, उसको आदत हो जाती है। देखिए वीडियोग्राफी को कंटिन्यूस देखना गलत है। जब तक आप ऐसा कर सकते कि देखा 2 मिनट में, रख लिया, अगर ये आप में कैपेबिलिटी तो ठीक है, लेकिन वो एक हो गया, फिर दूसरे ग्रुप में जाके, तीसरे ग्रुप में जाके, इसका उसका भाई का फोन लेके तेरा पता क्या चल रहा है, लोग बताते हैं वेब सीरीज ये हॉटस्टार और पता नहीं क्या क्या, जितने प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, सब चुप, यूट्यूब खुद है कि सब जो फ्री वाला था यूट्यूब में वो भी चल रहा है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, सोशल मीडिया को लिमिट में लाइए, तो आप कुछ कर सकते हैं, ये भी बात बढ़ गया। हाँ, अलग बात यह है कि आप सोशल मीडिया को आप दावत कर दूँ, सोशल मीडिया को इस्लाह कर दूँ, सोशल मीडिया को आप सामाजिक खिदमत कर दूँ, सोशल मीडिया के थ्रू ही काम कर रहे हैं, तो वो तो ठीक है, फिर तो उसी को आपने प्लेटफॉर्म बना दिया। लेकिन वैसे नहीं, खामों का करें, इसने क्या डाला, उसने क्या खाया, इसने क्या कमजोर है, उसके बाद जब बच्चा पैदा उसको लड़का हो, 15 से आवाज होता है अमीर मोमिनीन मुबारक। कायम रखेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत सारे मिसाइल के नहीं है।
किया है जो हमारे उन लोगों तक जाकर जो शहीद है, अशरार है, फसाद करने वाले कम्युनल मार्कर से उनको पैसे से संदेश जाता है। अगर हमें आप अगर इतिहास को कायम कर ले इस जमीन पर आपके इस इलाके की हद तक जो कि किसान पति के आस पास की और जो जमाते हैं जो कश्मीर जो शहर है तालुका लेवल पर है लेकिन इतिहाद हम कायम करें और वो इतिहाद की मिसाल लोगों को बताए कि इतिहाद देखिए ऐसा होता है इतिहाद को जब आवाज़ आए मिला इंशाल्लाह तो ऐसे काम करने वाले 10 बार इससे पहले सोचते ही आते समझ रहे बात तो इतिहाद इसका पहला हल है अभी ये इतिहास समाजी भी हो सकता है ये इतिहास जमाती भी हो सकता है ये इतिहास सियासी भी हो सकता है ये डिपेंड है हालात के ऊपर तो पहला काम तो आपको मुझे करना है इतिहाद को काम करना है दूसरा ये कि किताब सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है क्योंकि अजाब एक अलग चीज़ होती है और आजमाइश एक अलग चीज़ होती है ताकि फिर अगर ऐसे कुछ हालात आए तो हम आजमाइश से गुजरना कि अल्लाह तआला का अजाब होना जैसा बनी इस्लाम के लिए अजाब था कि उन्होंने अल्लाह के दीन को छोड़ा तो अल्लाह ने उनको गुलाम बना दिया कब क्यों कभी से क्यों का है ना तो अजाब की शक्ल थी तो हम तो ऐसे काम तो नहीं करें कि हमारे पैदावार शेर को कुफ्र को बिदत को दीन को मजाक हुआ उन्हें आम कर दिया था अल्लाह ने उनकी सजा दिया था तो लिहाजा हमें अपने हालात पे भी नजर डालना है हम जो कर रहे हैं ये अल्लाह की इनाम को दावत देगा या अल्लाह के अजाब को दावत देगा जो काम कर तो अगर हम वो काम करें जिससे इनाम की दावत देगा तो अल्लाह ताला अपना इनाम करेगा अल्लाह ताला अगर तकलीफ देगा तो आजमाइश होगी जिससे गुजरने का अजर मिलेगा और अल्लाह उसका अच्छा नतीजा देगा लेकिन अगर ये अजाब है खुद हम पर दूसरी कौम में हम पर फिर पड़ रही है हमें बुरा समझ रही है हमारे खिलाफ काम कर रही है तो कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ दिन में ऐसा किया और इसके नतीजे में ये हुआ और हमने माजी के पास में देखा जब लोगों ने दावत इस्लाम का काम छोड़ा तो ये हालात लोगों पर आए कि दीगर कौमों ने हमको अपना दुश्मन समझ लिया और सारे हालात हुए तीसरा काम ये कहूँगा दावत इस्लाम काम कीजिए मुसलमानों के बारे में पाए जाने वाले अल्पसंख्यकों को लोगों से भी कीजिए तो इंशाल्लाह कभी कोई आके बहकावा करता भी है तो दूसरा हमारा मुसलमान उसके भाई कहेगा ये लोग ऐसे नहीं है कि भाई हम ये काम नहीं करने वाले उनके साथ हम लोग इनको इज्जत देते हैं इनको बड़ा मानते अपने ये बहुत नेक लोग होते हैं मुसलमान अच्छे हैं इनाज कितनी गलत कमी होती है लिहाजा ये कुछ चीज़ें हैं और इसके अलावा आप उनसे बात करें तो आपको इंशाल्लाह समझ आएगी और अल्लाह से दुआ करें बाकी बात बहुत सारी चीज़ें और भी इंसान इंशाल्लाह जजाकल्लाह सवाल तो बहुत है लेकिन मगरिब का वक्त भी होने वाला है और शेख को बेंगलोर भी जाना है सफर भी जाना है